हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी के बीच में हाजिर हो चुका हूँ आपके अपने चैनल टेक एफसी। फ्रेंड्स, आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपको नई रोबोटिक टेक्नोलॉजी के इन्वेंशंस के बारे में बताने वाले हैं और ऐसे गैजेट्स से मिलवाने वाले हैं जो ज़मीन पर नहीं चलते, हवा में भी उड़ते हैं, और ऐसे नए गैजेट्स के साथ मिलवाने वाले हैं जिनका यूज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को यूनिक बना देगा। फिर देर किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो गाइज, सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि अब हम आपको लेकर जाने वाले हैं रोबोटिक्स बर्ड्स की दुनिया में। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट होगा बायोनिक फ्लाई फॉक्स से, चमगादड़ जिसका डार्क ब्लैक कलर है और डेंजर फेस की वजह से काफी खूंखार लगता है। यह पेड़ों पर उल्टा लटकता हुआ कहीं भी दिख सकता है, इन्हें रात में बिल्कुल नहीं दिखता। तो क्या यह पेड़ पर उल्टा लटकने वाली खूंखार बर्ड आपके बस में आने वाली है? शायद बहुत ही मुश्किल से, लेकिन आप इस बायोनिक चमगादड़ को अपने बस में रखकर जब चाहे वह हवा में उड़ा सकते हैं। इसकी पूरी बॉडी फ्लाई फॉक्स की तरह बनाई गई है, यह हवा में उसी तरह उड़ता है और आगे लगा हुआ भी उसी के जैसा इसका फेस भी है। लेकिन यह बायोनिक चमगादड़ है और आप अपने मन से जब चाहे इसे उड़ा सकते हैं। यह दिन में भी उड़ता है और रात में भी। मोशन ट्रैकिंग सिस्टम पर कंटिन्यूसली उड़ जाने वाला बायोनिक फ्लाई फॉक्स अच्छे से बड़े साइज का है। इसका कलर भी ज्यादा डार्क कलर नहीं है, यानी इसे उड़ता देख बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, और इसमें लगा हुआ इसका मैकेनिज्म इसे हवा में बहुत अच्छे से उड़ाता रहेगा। नंबर 9, साइड किक। स्मार्टफोन जरूरी है लेकिन इसकी चार्जिंग के लिए हम अपनी एक्टिविटी को या अपनी लाइफ को एक जगह पर नहीं रोक सकते, और यह बिल्कुल सही भी है। इसलिए पॉकेट साइज का वर्सेटाइल गैजेट जो आपके स्मार्टफोन को चार्ज करेगा कहीं भी कभी भी। यह साइज में आपकी कार की चाबी से भी छोटा है। इसमें हम छोटी बैटरियों को लगाकर इसकी फास्ट चार्जिंग यूएसबी पोर्ट केबल को अपने स्मार्टफोन के चार्जर सॉकेट में लगाकर यह बैटरियों के दोनों तरफ लग जाता है और फिर अपनी यूएसबी केबल को फास्ट क्विक चार्जिंग करके कनेक्टिविटी देता है, जिससे हमारा स्मार्टफोन जल्दी चार्ज हो जाता है। इसे हम आसानी से अपनी कार की चाबी या घर की चाबी में लगा सकते हैं। यह 64 GB तक का स्टोरेज बैकअप आपको दे सकता है। इसे किसी भी लैपटॉप की पोर्ट में लगाकर आप एक फास्ट चार्जिंग गैजेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 8, बायोनिक व्हील बोट। मकड़ी जिसे हम स्पाइडर कहते हैं और हमें यह पता भी नहीं कि मार्वल स्टूडियो के सुपर हीरो को स्पाइडरमैन सी मकड़ी ने बनाया। पर यह वह मकड़ी नहीं है, स्पाइडर जैसी दिखने वाली बायोनिक व्हील्स है। यह चलता बिल्कुल रियल स्पाइडर की तरह है, पर यह सिर्फ चल ही नहीं सकता, रोल भी कर सकता है। किसी भी तरह के सरफेस पर इसके अपने 6 मजबूत पैर हैं जो पूरी तरह से फोल्डेबल है और फोल्ड होकर अपने विड्थ का साइज डिक्रीज कर देता है। यह फ्लिक फ्लॉक बायोनिक स्पाइडर भी कहा जा सकता है, जो यूनिक पैटर्न मूवमेंट टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हुए अपनी बॉडी को मूवमेंट कराता है। इसके नुकीले आर्म्स अपने आप को एक सर्कुलर बॉडी में फोल्ड करके सरफेस पर रोल कर सकते हैं और रोलिंग करते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। वॉर रोलिंग करवाने के लिए इसके साइड के 2 आर्म्स भी है जो इसे तेजी से रोलिंग करने में मदद करते हैं। नंबर 7, ट्रैकेट। ऑफिस जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए या फिर आप अपने किसी भी काम के लिए आप अपनी फिटनेस को बरकरार रखते हुए अपनी बाइसिकल के साथ जाना पसंद करते हैं, लेकिन आपकी बाइसिकल तो इतनी ज़्यादा लोड वाली नहीं और ना ही इसमें कोई सिक्योरिटी सिस्टम, तो इसी वजह से आपको काम के बीच में या फिर कॉलेज में बैठे हुए अपनी बाइसिकल की चोरी होने की आशंका लगी रहती है। तो अपनी बाइसिकल में लगा दीजिए सिर्फ 6 मिनट में इंस्टॉल हो जाने वाला यह गैजेट, जिसकी बैटरी पूरे 1 साल तक चलती है और यह अपने 7 GPS ट्रैकिंग सिस्टम रखती है। इसे आप अपने स्मार्टफोन में कनेक्ट कर सकते हैं और ब्लूटूथ से इसके लिए आपके स्मार्टफोन में स्पेशल एप्लीकेशन होगा और इसे बनाया गया है स्पेशल बाइक ट्रैकिंग के लिए। यह बाइसिकल की सीट के नीचे आराम से चले जाता है और उसके बाद आपकी बाइसिकल से अगर कोई बिना इजाजत छेड़छाड़ करता है या कोई भी मूवमेंट करता है तो आपके स्मार्टफोन पर आपको पता चल जाएगी। इसकी रिपोर्ट कहीं भी ली जा सकती है, जिससे आपकी बाइक अगर कोई चोर चुरा कर ले भी जाता है तो उसकी रियल लोकेशन आपको पता चलती रहेगी और आप उसकी मूवमेंट को ट्रैक करके आसानी से अपनी बाइक के पास पहुंच जाएंगे। नंबर 6, ई मोशन बटरफ्लाइज। बटरफ्लाई जिनके कई रंग है और ये अपने हर रंग में बहुत खूबसूरत लगती है, जहां पौधे होते हैं वहां पर आपको ये जरूर नजर आ जाएंगी। तो अब इलेक्ट्रॉनिक मोशन बटरफ्लाई भी बना ली गई है। ये दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है और जिस तरह से बटरफ्लाई का वेट बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होता है, इस बायोनिक बटरफ्लाई का वेट भी अल्ट्रा लाइट है। यह हवा में उड़ती है तो बिल्कुल एक नेचुरल ई बटरफ्लाई की तरह इसे आप अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं। ग्रुप में भी उड़ने के लिए और कई सारी बायोनिक बटरफ्लाई एक साथ ग्रुप में उड़ सकती है। घर के अंदर भी इंडोर GPS की मदद से हवा में उड़ सकती है और ऑटोमेटिक तरीके से भी इसे आप घर में उड़ा सकते हैं, छोड़ सकते हैं और आपको बिना कोई नुकसान पहुंचाए यह हवा में उड़ती रहेंगी। नंबर 5, आई एम स्टिक। अपने पार्टनर को या फिर अपने फ्रेंड को यह गैजेट देकर उसके स्मार्टफोन का नया फ्रेंड बनवा सकते हैं, क्योंकि यह गैजेट स्मार्टफोन को फिर अपने पास से नहीं छोड़ने वाला। यह मजबूती के साथ आपके स्मार्टफोन को अपने ऊपर चिपका लेगा, बिल्कुल भी नहीं गिरने देगा। इसे आप अपनी रिस्ट पर बांध सकते हैं, बाइसिकल के हैंडल पर बांध सकते हैं और अगर आप स्मार्टफोन से फोटोग्राफी करते हैं या फिर वीडियोग्राफी बनाते हैं तो इसे अपने ट्राइपॉड में लगाकर
अपने स्मार्टफोन को स्टेबल कर सकते हैं। इसमें आपका स्मार्टफोन बिल्कुल स्टेबल तरीके से फिक्स हो जाएगा क्योंकि इसमें 8 न्यूडियम मैग्नेट लगे हुए हैं। यह मैग्नेट आपके स्मार्टफोन को सेफ तरीके से पकड़ के रखेगा। इसकी बॉडी हाइट टेस्टेड एल्यूमिनियम मटेरियल की लाइट वेट बॉडी बनी हुई है। इसमें सिलिकॉन प्लग द पोर्ट जो कि किसी भी टाइप के अंदर से आसानी से फिट हो जाता है। इसे अपनी कार में, जिम में, कहीं भी अपने साथ पॉकेट में लेकर अपने मोबाइल फोन को सही तरीके से पकड़ने के लिए अपने पास रखकर लेकर जा सकते हैं। नंबर 4, रो बर्ड। हवा में उड़ने वाला खतरनाक बर्ड की अगर बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है खूंखार ईगल, जिसे हवा में उड़ने वाली बर्ड भी इधर उधर भागती है। यह हवा में उड़ने वाले गैजेट भी उसी तरह के डिजाइन पर बनाए गए हैं और यह पूरी तरह रियल ईगल की तरह लगता है और इसका फेस भी रियल ईगल की तरह दिखता है। और हवा में उड़ते हुए परिंदों का झुंड भी कभी यह समझ नहीं पाएगा कि यह रियल ईगल नहीं है। और जिस तरह से, जिस रफ्तार से ईगल हवा में उड़ता है, यह 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा में उड़ सकता है। यानी आपकी बाइसिकल की स्पीड से बिना पैडलिंग किए हुए अपने परों को उड़ाते हुए आपसे पहले आपके डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। इसके ईगल जैसे दिखने वाले शरीर के अंदर हवा में उड़ने वाला बायोनिक मैकेनिज्म लगाया गया है जो लेजर सेंसर की मदद से हवा में उड़ता है। तो अगर आपको हवा में उड़ने वाले परिंदे ज्यादा परेशान कर रहे हैं और आपकी फसल को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप अपने पास ये बायोनिक ईगल रखकर उन्हें बहुत दूर भगा सकते हैं। नंबर 3, नो क्रैक ग्लास। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए आपको जो आराम से खाना मिल जाता है वह इतने आराम से नहीं बनता। उसके लिए सब्जियों को और खाना बनाने वाली काम में आने वाली चीजों को काटना पड़ता है। इन्हें काटते काटते कई बार हमारे फैमिली मेंबर के हाथ कट जाते हैं और कभी कभी यह बहुत ज्यादा हो जाते हैं जिससे कुछ दिनों के लिए उस हाथ से काम करने में परेशानी होती है। तो उनके हाथों में पहना दीजिए ये ग्लव्स जो लेदर से 4 गुना ज्यादा मजबूत फैब्रिक मटेरियल के बनाए गए। इतने ड्यूरेबल हैं कि इन पर किसी भी तेज धार वाली नाइफ का कोई असर नहीं होता और यह जरा सा भी कट आपके पार्टनर के हाथों में नहीं लगने देंगे। इसे हाथों में पहनना और काम करना बिल्कुल मुश्किल भरा नहीं है। जैसे हम किसी दूसरे के लाभ को पहनते हैं उससे भी ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से हमारे हाथों में आ जाता है और किचन वर्क के लिए ग्लव्स बहुत ही ज्यादा काम वाला साबित हो सकता है। नंबर 2, ऑस्मो पॉकेट। बढ़िया कैमरे के लिए महंगा स्मार्टफोन और उसके बाद फिर ट्राइपॉड सेल्फी स्टिक। बहुत कुछ सेल्फी लेने के लिए और हमारी अच्छी वीडियोग्राफी करने के लिए हम यह सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रख लीजिए अब अपने स्मार्टफोन को अपने पॉकेट में और पॉकेट से निकालिए यह गैजेट जो सिनेमेटिक वीडियोग्राफी आपको प्रोवाइड करता है, वो भी 3-axis गिम्बल स्टेबलाइजेशन फीचर्स की मदद से। बिल्कुल स्टेबल वीडियोग्राफी करने में आपको मदद करेगा, चाहे आप कहीं भी कोई भी एक्टिविटी क्यों ना कर रहे हो, किसी भी तरह का एक्शन सिनेमेटिक शॉट क्यों ना ले रहे हो। इसे आप किसी भी सेल्फी स्टिक की तरह लंबा कर सकते हैं और इसके कैमरे में आपके फेस को ट्रैक करने की, उसके हिसाब से रोटेट करने की फीचर भी अवेलेबल है जो आपकी सेल्फी या फिर वीडियो को बिल्कुल भी नहीं हिलने देंगे। इसमें एक्टिव ट्रैकिंग मोड भी आप एक्टिव करके अपने चलते हुए घोड़ों की वीडियो ले सकते हैं। SPV मोड को एक्टिव करके तेज रफ्तार में चलने वाले झूले के बीच में आप बिल्कुल सही शॉट ले सकते हैं। अपने झूले में बैठी हुई वीडियो के 3x3 पैरानोमिक वीडियोग्राफी करने वाला यह गैजेट अपने साथ डिजिटल स्क्रीन भी रखता है जिसमें आपके द्वारा ली जा रही वीडियो और फोटो भी आप इसमें देख सकते हैं। इसे आप अपने पानी में लेकर समुद्र के बीच पहुंच सकते हैं। यह पानी के अंदर भी फोटो और वीडियो बनाता रहेगा। यह नाइट मोड में नाइट की चकाचौंध को और लाइटिंग को बहुत ही ज़्यादा क्लियर कैप्चर करता है। नंबर 1, फ्लैपिट। यह गैजेट होटल्स और शॉप का नाम बताने वाली कोई ग्राफिकल डिस्प्ले वाली गैजेट नहीं, यह तो सोशल मार्केटिंग में हेल्प करने वाला टूल है। इसे आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट की सारी जानकारी लेने देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह अपने साथ कई सारे सोशल मीडिया ऐप को चलाती है और इसकी इन्फॉर्मेशन भी देती है। आपकी मार्केटिंग की रेटिंग आपके कस्टमर को बिल्कुल क्लियर नहीं बताती, जिसे आपकी मार्केट रेटिंग देखने के बाद आपके कस्टमर और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। सोशल मीडिया पर आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग में इसके साथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और कई तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है और अपने ग्राफिकल डिस्प्ले पर इनकी रीडिंग नहीं बताती क्या आप कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पर डाले हुए किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कितनी ज़्यादा हाई हो गई है, आपके कस्टमर कितने बढ़ रहे हैं। तो ये अपनी शॉप पर या फिर सोशल मीडिया वर्क पर अपने पास रखकर नए तरीके से अपने हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कितनी ज़्यादा हाई हो गई है, आपके कस्टमर कितने बढ़ रहे हैं, तो ये अपनी शॉप पर या फिर सोशल मीडिया वर्क में अपने आसपास अपने पास रखकर नए तरीके से हब सोशल मार्केटिंग में फिर से आ चुका है। सो गाइस, अब समय है इस वीडियो पर अच्छे से कमेंट करने का और इस वीडियो के बारे में अपनी राय प्रकट करने का, ठीक है गाइस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक नहीं किया, तो प्लीज़ उस रेड वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और उसके पास आने वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी, ताकि अगला वीडियो और अगला सुपर गैजेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।